शिक्षकगण, किसान भाई बहन और प्यारे विद्यार्थी, हरित क्रांति के प्रमुख केंद्र और कृषि के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। सर्वप्रथम मैं आज स्नातक हो रहे विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। मैं आज पुरस्कृत होने वाले वैज्ञानिकों को भी बधाई देती हूँ जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में मैंने इसी ऑडिटोरियम में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, एथिकली डिजरेबल, इकोनॉमिकली अफोर्डेबल और सोशियली बेनिफिशियल उत्पादन के लिए हमें अनुसंधान की आवश्यकता है। मैं आशा करती हूँ कि आज स्नातक हो रहे सभी विद्यार्थियों जहाँ भी जाएंगे अपने संस्थान की गरिमा को बढ़ाते हुए उच्च मानकों के अनुकूल कार्य करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में अतुलनीय योगदान दिया है। इस संस्थान ने न केवल कृषि से जुड़े अनुसंधान एवं विकास कार्यों को दक्षतापूर्वक किया है बल्कि ये भी सुनिश्चित किया है कि ऐसी जानकारी प्रयोगशाला के बाहर धरातल पर जाकर मूर्त रूप ले सके। मुझे खुशी है कि किसानों के साथ वैज्ञानिकों के संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव पहल मेरा गांव मेरा गौरव को की शुरुआत की गई है। IARI के बहुआयामी कार्यों ने देश के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में लगातार वृद्धि सुनिश्चित की है। इसके लिए मैं IARI परिवार की विशेष सराहना करती हूँ। स्थापना के बाद से ही ये संस्थान देश के लिए मानव संसाधन विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि IARI के अंतर्गत कई स्कूल से जैसे स्कूल ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट देते हैं, दुनिया के लोगों के मुंह पे आहार देते हैं, इसीलिए चाषी दुनिया को आहार उसको कितना आनंद, जैसे माँ एक निवाला एक एक निवाला करके अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं तो माँ कितने खुशी महसूस करती है, ऐसे ही एक किसान जब दुनिया को आहार देते हैं तो बहुत खुश महसूस करते हैं। इसीलिए चलिए खेती करें। हमारी अर्थव्यवस्था के इस आधार का अधिकाधिक विकास हो, इसमें कोई अवरोध ना हो, ये सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि किसान के हल की नोक से खींची गई रेखा सभ्यता के पूर्व के समाज और विकसित समाज के बीच की रेखा है। किसान ना केवल विश्व के अन्नदाता है बल्कि सही अर्थ में जीवनदाता भी है। खाद्य नहीं तो जीवन नहीं। गुरुदेव रविंद्रनाथ जिससे किसानों को आय सुरक्षा प्रदान की जा सके। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत जैविक खेती का भी बढ़ाई दिया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप सोयल हेल्थ में सुधार हुआ है। किसान संपदा योजना से देश में खाद्य प्रसंस्करण को व्यापक बढ़ावा मिलने के साथ साथ किसानों को बेहतर मूल्य पाने में सहायता मिलेगी। ये किसानों की आमदनी दुगुनी करने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। देवियों और स्वजनों, हम सब किसान एवं कृषि संबंधी समस्याओं से अवगत है। हमारे कितने ही किसान भाई बहन आज भी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य मिले, ये अभावग्रस्त जीवन से समृद्धि की ओर बढ़े, इस दिशा में हमें और भी अधिक तत्परता से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है
कि वर्ष 2040 में जब भारत विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा तो भारत का किसान इस यात्रा का अग्रदूत होगा। अंत में एक बार फिर मैं IARI परिवार के सभी सदस्यों और स्नातक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हों। ऑफ मिसलीडिंग द हाउस द फैक्ट दैट